सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमने आज, आपको पता है, हमने स्टार्ट करा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। वहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन वीडियो। आज है उसका पार्ट टू वीडियो, जहाँ पे दो डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन कराए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ डायग्राम बनाओगे, बहुत ही सुंदर सा, और बहुत ही आपने क्या करना है, बड़ा सा डायग्राम बनाना है और लेवल भी अच्छे से करना है, ताकि मैं कुछ कुछ चीज़ें लेवल करते टाइम ही आपको बता दूँगी, तो वो वहाँ पे मेंशन हो जाना चाहिए। क्लियर? तो आपको क्या करना है, मेरे साथ डायग्राम बनाना है। पहले आराम से एकदम धीरे धीरे, कौन सी चीजें क्या है सब बताया जाएगा। क्लियर? कौन सी चीज़ें क्या है मैं लेवल करके बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम ही है ना। अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ें पहले क्या बनाई गई है, तो मैं एक रफ डायग्राम आपको बना देती हूँ। आपने पहले ऐसे करना है, क्लियर, उसके बीच में बनाना है जस्टिस, उसके ऊपर से एपिडिडाइमिस, और वास डिफरेंस को लेके जाना है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? आप इस रफ डायग्राम को देख सकते हो। उसके बाद बनाना है बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। क्लियर? यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये है हमारा रफ डायग्राम, जिसको मैं इरेज करती हूँ। और अब बात करते हैं इस चीज की, कौन सी चीज क्या है। ये क्या है, स्क्रोटम, एंड दिस वन इज टेस्टिस। आपको पता होगा स्क्रोटम और टेस्टिस, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आते हैं, यानी कि विजिबल पार्ट। ये दोनों क्या है, विजिबल पार्ट है स्क्रोटम एंड पेनिस। क्लियर? यहाँ पे ये स्क्रोटम है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस। क्लियर? ये है इंग्यूइनल कैनाल, वास डिफरेंस। क्लियर हो रहा है सब कुछ? आपको क्या करना है, मेरे साथ लेवल करते चलोगे। क्लियर? अभी सिर्फ डायग्राम बनाने पे फोकस करो, बाद में सब कुछ डिस्क्राइब अच्छे से किया जाएगा। क्लियर?
सो अभी सिर्फ मैंने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है छोटा सा। ये पोर्शन एनसीईआरटी में भी मेंशन कराई गई थी, ये डायग्राम। तो अब मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ लोकेट करा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर। पहले मैंने बनाया है स्क्रोटम, यू कैन सी ये कौन सा पार्ट है स्क्रोटम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, ये विजिबल भी पार्ट है, क्लियर, ये आप देख सकते हो स्क्रोटम। उसके अंदर क्या है, टेस्टिस। अब आप ये बोलोगे मैम स्क्रोटम बाहर क्यों होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि बॉडी के बाहर होता है, लोग कैरी करके घूमते हैं स्क्रोटम को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। स्क्रोटम बॉडी वॉल से अटैच होता है, बट हाँ आप ये बोल सकते हो कि बॉडी वॉल से अटैच होता है बट बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। बट ये बोलना गलत हो जाएगा कि वो बॉडी के बाहर होता है, तो आप बॉडी के बाहर बोल रहे हो, यानी कि वो आप कैरी करके तो घूम नहीं रहे हो स्क्रोटम, क्लियर। तो वो बॉडी वॉल से अटैच होता है, बट हाँ क्योंकि उसको टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा लोअर चाहिए होता है, 2 to 2.5 degree, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 degree Celsius टेम्परेचर बॉडी को लोअर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्लियर। इसलिए वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी के, क्लियर। बट अगेन वो अटैच होता है बॉडी वॉल से, है ना। तो स्क्रोटम के बारे में आपने एक चीज़ जान ली क्या होता है, तो स्क्रोटम के बारे में यहाँ लिखेंगे हम लोग, स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। क्यों होता है आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये बोलोगे मैम स्क्रोटम के अंदर स्पर्म थोड़ी होता है, कि स्क्रोटम क्यों बाहर होता है, इससे ज्यादा तो टेस्टिस बाहर होना चाहिए, क्लियर। बट यहाँ पे स्क्रोटम एक बैग है, एक पाउच है, उसके अंदर होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, क्लियर। और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म बन रहा है तो स्क्रोटम बाहर आएगा, बैग लाइक को बाहर रखो तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम मिलता है, जिसके कारण स्पर्म फॉर्मेशन बहुत ही इजीली हो जाता है, क्लियर। तो स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स 2 to 2.5 degree centigrade टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी, लोअर देन द बॉडी, क्लियर। बट अगेन मैं हमेशा से ये बात बोल रही हूँ कि स्क्रोटम भी बॉडी वॉल से अटैच होता है, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होना का मतलब ये नहीं कि पूरे बॉडी से बाहर हो जाता है, क्लियर, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में आपको पूरे अच्छे से बताऊंगी, टेस्टिस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म कैसे बनता है, सारा कुछ, क्लियर। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अगेन वहाँ उसके बाद क्या होता है, एपिडिडाइमिस वाली स्ट्रक्चर आती है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एपिडिडाइमिस क्या होता है, इट्स ओके, ये चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद एपिडिडाइमिस जो है वो फॉलो करता है वास डिफरेंस को, क्लियर, और वो लूप करता है, वास डिफरेंस जाते ही लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, क्लियर। यहाँ पे देख रहे हो आप यूरिनरी ब्लैडर, वहां से ये जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनर वेसिकल और बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड्स में पढ़ा है ना, नाम तो पढ़ा है हम लोगों ने उसी चीज के बारे में। यहाँ पे आता है इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और यूरेट्रा का डक्ट सेम डक्ट मिला के बनता है इजैकुलेटरी डक्ट, क्लियर। उसके बाद आता है यूरेट्रा, और ये जो पार्ट मैंने दिखाया है रंगीन से ब्लू एंड ब्लैक में, ये है इरेक्टाइल टिश्यूज, क्लियर। पीनस के ऊपर क्या होता है, बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस। तो इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि इजैकुलेशन के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, वो इरेक्टाइल हो जाता है, क्लियर। और वो कवर किससे होता है, ग्लैंड पीनस, ग्लैंड पीनस बोलते हैं एनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पीनस। तो एनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पीनस को क्या बोलते हैं, ग्लैंड पीनस।
वहां पे। और जो स्किन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज। इरेक्टाइल टिश्यू होता है अराउंड द फोर स्किन जो कि ड्यूरिंग द इरेक्शन या फिर इरेक्टाइल वो इरेक्ट हो जाता है। क्लियर? इरेक्टाइल टिश्यू यानी क्या होता है, वहां पे वो हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। अभी मैंने डिस्क्राइब कुछ भी नहीं करा है कि सेमेंडर वेसिकल का प्रॉपर्टी क्या होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने सिर्फ अभी डायग्राम बनाया है और उसकी बातें बताई है आपको। क्लियर? आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है पहले, फिर मैं छोटे मोटे और डिस्कशन बचते हैं उसको मैं बताती हूँ। क्लियर? आई होप सो आपने डायग्राम को बना लिया है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन मैंने नहीं बताया आपको, इंग्यूनल कैनाल क्या है। क्लियर? तो इंग्यूनल कैनाल क्या करता है, ये अटैच करता है स्क्रोटम को एब्डोमिनल वॉल से। एब्डोमिन का वॉल आप जानते हो, तो एब्डोमिन के वॉल को और स्क्रोटम को जोड़ के रखने वाला जो कैनाल है उसको क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल। यहाँ पे आप लिख लो, इट अटैच स्क्रोटम विथ एब्डोमिनल वॉल। क्लियर? आपने उसको मेंशन कर देना है, इसीलिए मैंने बोला था कि डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाना है, सब कुछ अच्छे से लोकेट करना है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको ये लग रहा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी पेयर में है, यानी कि दो प्रोस्टेट ग्लैंड है, दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, दो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बट ऐसा नहीं है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है, ये एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये सिंगल होता है। यहाँ दिखने में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट ऐसे है तो हाफ हाफ दिख रहा है। क्लियर? वो डक्ट के वजह से वो विजिबल नहीं है, बीच वाला हाफ इधर दिख रहा है, हाफ इधर दिख रहा है। क्लियर? दिख रहा है आपको, लेकिन ये सिंगल ग्लैंड है। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड जिसको बोलते हो वो पेयर में होता है। क्लियर? तो बेसिक बेसिक चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट हुआ। एक और डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। साइड व्यू दिया हुआ है बेसिकली। क्लियर? वो साइड व्यू दिया हुआ है तो आपको ये वाला अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर मैं वो डायग्राम बनाती हूँ। सो चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे जितना नाम अभी देखे हो आप लोग, क्या होता है सेमिनल वेसिकल, ये सारे चैप्टर में आए हुए हैं ना, थ्रू आउट द चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चल रहा है कि हाँ ऐसा डायग्राम होता है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया पता चल सके कि हाँ ये चीजें हमें पढ़नी है, है ना। दे रखी है वो वाला, आपको क्या करना है मेरे साथ वो डायग्राम बनाना है। आज का लेक्चर में ही डायग्राम भेज सकती है। ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के लिए रखी है वो डायग्राम।
ये रफ डायग्राम है, इसी टाइप का डायग्राम आपको सेम एनसीईआरटी में दिखने को मिलेगी। अब मैं इसको लेवल कर देती हूँ। अब इसको लेवल कर लेते हैं। दिस इज अ स्क्रोटम, दिस इज अ टेस्टिस, मास डिफरेंस, ये हो गया इसमें यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, दिस इज योर इरेगुलेटरी डक्ट। ये मैं दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं स्किप कर सकती थी, बट आपको क्या करना है, इसको दोनों को कॉपी में बनाना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इससे डायग्राम से रिलेटेड, साइड व्यू वाले डायग्राम से, और इससे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड